हेलो एवरीवन, मैं आपका डॉक्टर भैया और आप देख रहे हैं डॉक्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्या क्या न्यू सिलेबस है, जो डी फार्मा का नया ईयर 2020 का सेकेंड ईयर का जो न्यू सिलेबस आया है उसको बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिए। अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के हैं तो आपको ज़रूर जानना चाहिए कि आपका नया जो सिलेबस डी फार्मा का PCI ने नया जो ईयर 2020 का फर्स्ट ईयर में तो चेंज हो गया था, सेकेंड ईयर में भी चेंज हो गया है न्यू सिलेबस। तो 2020 का एजुकेशन रेगुलेशन 2020 का, तो उसमें सेकेंड ईयर में इस साल जो फर्स्ट ईयर में थे अब जो सेकेंड ईयर में गए हैं उनको क्या क्या पढ़ना है, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं आपको सारा डिटेल देने वाला हूं कि आप लोग सेकेंड ईयर में क्या क्या पढ़ेंगे और कितने प्रैक्टिकल हैं और कितने आपके थ्योरी हैं। तो देख लीजिए, मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। इसमें फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी फार्मेसियन मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्माको थ्योरेटिकल, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी और फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, तो सारा सब्जेक्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सारा बुक दिखा रहा है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। यहाँ देखिए फार्माकोग्नोसी दिखा रहा है, ये फार्माकोग्नोसी तो हम लोग का फर्स्ट ईयर में था, फार्माकोलॉजी दिखा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं वीडियो बढ़ाना हूँ उसके लिए आप लोग को बता दूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कि आपको फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ना है। आपको देखिए इसमें दवाओं के बारे में पढ़ना है, जैसे फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते थे उसी तरह इसमें फार्माकोलॉजी में दवाओं के बारे में अध्ययन करना है और काफ़ी कुछ नए चीज़ें मिलेंगे, काफ़ी डीपली इसमें पढ़ना है। यहाँ देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ कम्युनिटी फार्मेसी जो दिया हुआ है, ये आप इसको भी देख सकते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। इसमें समाज में जो जैसे सोशल फार्मेसी था उसी का एक हिस्सा है, कम्युनिटी फार्मेसी में पढ़ना है और मैनेजमेंट कैसे करना है, दवाओं का रख रखाव कैसे करना है, ये भी हम लोग को इसी सब्जेक्ट में पढ़ना है, इसमें देख सकते हैं आप। और यहाँ आप देखिए बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, जो हम लोग का फर्स्ट ईयर का सिलेबस था, जो इस बार नहीं जो पुराने बच्चे फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे उनका ये सिलेबस था, इसको चेंज कर दिया गया है, सेकेंड ईयर में डाल दिया गया है बायोकेमिस्ट्री क्लिनिकल पैथोलॉजी। इसमें बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ना और पैथोलॉजी में क्या जाँच आप कराएंगे, कैसे आप क्या करेंगे, इसका सारा डिटेल इसमें पढ़ना है। और काफ़ी अच्छा भी है ये, पहले फर्स्ट ईयर में होता था लेकिन अब इस बार फर्स्ट ईयर में हट के सेकेंड ईयर में आ गया है ईयर 2020 रेगुलेशन के अनुसार। और यहाँ आप देख सकते हैं एक जो नया विषय आया है, इसको फार्म डी और एम फार्म में पढ़ाया जाता था, वो नया सिलेबस ये हम लोग का एक नया यूनिक आया जो सबसे अलग है, फार्माको थ्योरेटिक्स। ये फार्माको थ्योरेटिक्स में आपको फार्मा को बारे में भी पढ़ना है और इसको ये देखना है कि थ्योरेटिकल यूज इसका क्या क्या है, क्या इसका लोगों में उपयोग कैसे करना है, क्या इसको देना है, इसमें क्या है, इस काफ़ी कुछ डीपली नया है, काफ़ी अच्छा है ये। इस जो ईयर 2020 का जो अहम बुक है यही आया है, जो सेकेंड ईयर वाले अलग से पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये तो हॉस्पिटल और क्लिनिक के बारे में कैसे आप दोनों जगह पे क्या अध्ययन होता है, क्या दवाएं चलती हैं, इनको पढ़ना है। और सब एक और नया चीज़ आया है इसमें जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक मिनट देख बता रहे हैं आपको, यहाँ देख सकते हैं आप एक फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स। फार्मेसी एंड लॉ एथिक्स में आपको फार्मेसी में क्या नियम कानून है उनको भी आपको जानना है, क्योंकि पहले होता था क्या लोग नियम कानून को समझते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे तो जानते भी नहीं थे, क्या आप किस नियम और कानून के दायरे में आते हैं, क्या पढ़ना है, सारा डिटेल आपको इसमें पढ़ना है। और काफ़ी अच्छा भी है और इसमें काफ़ी कुछ नया है, तो संभवतः आपको ये सारा सब्जेक्ट समझ में आया होगा आपका, तो कितने सेकेंड ईयर में कितने सब्जेक्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें 6 में आपको जो फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्माकोथेरेपिक्स, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक पैथोलॉजी और फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, इसमें फार्मेसी और लॉ एथिक्स का प्रैक्टिकल नहीं होना, बाकी इन पांचों विषय का होना है, यानी कि 5 का हमको थ्योरी और 5 का प्रैक्टिकल होगा और फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए टोटल हम लोग को 6 पेपर का आपको क्या करना है, पेपर देना है और 5 पेपर का आपको प्रैक्टिकल देना है। इसके अलावा और काफ़ी कुछ चेंजेज होंगे, अगर कोई डिटेल आएगा तो ज़रूर आपको हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो इसके लिए इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप डी फार्मा या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं या आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है तो इसमें जाके आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आपका दिन, आपका समय मनोरंजन।